1950 में इसकी स्थापना हुई थी जब उदय शंकर का अल्मोड़ा ग्रुप टूटा था उसके बाद बम्बई में सेंट्रल स्क्ॉड बना था सेंट्रल स्क्ॉड में बहुत सारे कलाकारों ने आकर के काम करना शुरू किया था सेंट्रल स्क्ॉड भी बहुत नहीं चल सका चूंकि बेले एक ऐसी विधा थी जो बहुत ज़्यादा एक तरह से दर्शक को एक ट्रेंड दर्शक की रिक्वायरमेंट उसकी होती है जिसको देह गतियाँ और भाषा और शरीर की ये सब समझ में आनी चाहिए नाटक ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाता है और थोड़ी मशक्क़त पड़ती है समझने में बैले को तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं चली तो अजय घोष ने उसे ख़त्म करके फिर एक्टा की शुरुआत की तो जब ये सेंट्रल स्कॉट ख़त्म हो गया तो उसके बाद शांतिवर्धन जो डिसाइपल थे रविशंकर के उसके उदय शंकर जी के उन्होंने और गुलवर्धन ने जो गुलवर्धन एक्टिविस्ट थी, उन्होंने मिलकर के इस बैले की स्थापना की तो गुलवर्धन के कोई रिश्तेदार थे जो वहाँ अंधेरी में एक बहुत बड़ा कैंपस था खुसरो लॉज कहा जाता था उसको खुसरो लॉज में इनको जगह मिली और वहाँ इन्होंने काम करना शुरू किया वहाँ एक बहुत बड़ा बड़का पेड़ था उस बड़के पेड़ और बहुत सारे जंगल जैसा था उसका ओपवन जो बना हुआ था उसमें बहुत सारे परिंदे जानवर हिरन तमाम सारे उसके अंदर थे तो शांतिवर्धन बैठ कर के उनके मूवमेंट्स को चिड़ियों के मूवमेंट्स को और जानवरों के मूवमेंट को और मेंढकों के मूवमेंट सबके मूवमेंट्स को देखा करते थे तो उनके दिमाग में दो तीन चीज़ें आई एक तो रामायण की कल्पना आई वहाँ और दूसरी कल्पना आई पंचतंत्र की तो पंचतंत्र में तो ज़्यादातर कछुए खरगोश फलाना ढमकाना चूहा और इन सब का ही काम है तो वो जो मूवमेंट्स हैं उन मूवमेंट्स को पिकअप करके उन्होंने कलाकारों को सिखाना शुरू किया और रामायण में भी बहुत सारा इस तरह का चिड़ियों का इनका उनका इस्तेमाल किया बहुत सारे प्रसंग ऐसे आते हैं जब राम आ रहे हैं राम आ रहे हैं तो चिड़ियाँ बिल्कुल फुदकती हुई और नाचती हुई और उस, उस मूवमेंट में आती हैं और जब रावण आ रहा होता है तो पड़ाती हुई घबराती हुई जैसे जोर जोर से हाथ पैर हिलाती हुई चिड़ियाँ भागती हैं तो पहला रामायण जो तैयार हुआ तो रामायण का पहला मंचन जय हिंद कॉलेज में उन्नीस को 20 जनवरी उन्नीस को जय हिंद कॉलेज बॉम्बे में इसका शो हुआ इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इस संस्था से बहुत करीबी रूप से जुड़े हुए थे बलराज साहनी बलरा सानी शांति वर्धन से बहुत नाराज़ हुए कि क्या बुढ़ भस मचा रखा है आपने और क्या रामायण वही रामायण वही रामायण वही रामलीला ये सब का क्या मतलब होता है ये तो ठीक नहीं है और वो गुस्सा हो गया और उन्होंने रिहर्सल में आना बंद कर दिया वो बहुत अच्छे फ्रेंड थे संस्था के लेकिन जब शो हुआ तो शो होने के बाद वो जारो क़तार आंसुओं से रोए बलराज सानी और उन्होंने शांतिवर्धन जी से कहा कि आपने तो कमाल कर दिया असल में ये जो रामायण का जो बैले है ये रामायण बैले की दिलचस्प बात ये है कि ये रामायण मैंने राम का आयन राम का पर्यटन यानी राम घर से निकाले जाते हैं और फिर घर पर वापस आ जाते हैं कुल इतनी सी कथा है लेकिन इसको जिस तरह से उन्होंने नरेट किया है तो राम के काल्पनिक वो जो वनगमन का जो क्षेत्र था उसमें कौन कौन सी पोशाकें होती हैं उसमें कौन कौन सा म्यूजिक होता है उनकी कौन कौन सी लोक संस्कृति होती है उन सब को शामिल करते हुए पूरी रामायण का उन्होंने कंसीव किया बहुत सारे हिस्से जिसमें इसके मास्क हैं मास्क चौखूटे आयताकार आ, मास्क हैं ये जैन मिनिएचर पेंटिंग्स असम में कहीं मिली थी उनमें चौखूटे मास्क का आइडिया था तो वहाँ से उन्होंने इसको टेकअप किया संस्था के पास पैसे भी नहीं होते थे तो सोवियत संघ की जो पत्रिकाएं आती थी सोवियत लैंड या और भी तमाम सारी पत्रिकाएं आती थी उनके बहुत ही मोटे गत्ते होते थे बहुत ही चिकने मोटे गत्ते होते थे तो यही वर्कशॉप लगा करके सारे मास्क उसी से तैयार किए गए तो उनके पास पैसे भी नहीं थे ड्रेसेस जो थी वो गनी बैग से तैयार की गई गनी बैग को कलर करके रंग करके उसको पेंट करके राम सीता के इनके तमाम सारे सारे चीजों को उसी तरह से तैयार किया गया रांगे के इंस्ट्रूमेंट रांगे के जेवर बनाए गए उसको कलर किया गया उस तरह से पूरा को पूरा लेकिन जब वो मंच पर आता है तो ऐसा लगता है कि बहुत ही भव्य है जो चरित्र नायक हैं राम राम कथा के जो चरित्र नायक हैं वो चरित्र नायक असल में देश के इमोशनल और इमोशनल और कहते कल्चरल सांस्कृतिक और एक तरह से प्रतीक पुरुष के रूप में उसमें प्रस्तुत होते हैं जो भारतीय एकता भारतीय सांस्कृतिक एकता का प्रतिनिधित्व करते नजर आते हैं ये बहुत तो इंटरेस्टिंग बात है कि इस तरह से उसको प्रस्तुत किया गया जिसमें आपको पूरा देश की झांकी मिल जाएगी उनके कल्चर की झांकी मिल जाएगी म्यूजिक की झांकी मिल जाएगी हीर से लेकर के और जो श्रीलंका में ड्रम्स की हमिंग होती है उसकी वॉइसेज तक को शामिल करके उसको इस, शामिल किया गया है पूरा का पूरा म्यूज़िक में पहले इसका म्यूज़िक होता था जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे लाइव म्यूज़िक होता था करीब तीस कलाकार उसके अंदर बैठते थे लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि अब आ, लोग बुलाते नहीं हैं और इतनी बड़ी टीम को और इतने बड़े इंस्ट्रूमेंट्स को एक दो एक ट्रक भर के सामान को ले जाने और उसका ख़र्चा उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है तो 74 में आ, इस म्यूज़िक को रिकॉर्ड करा लिया गया इंस्ट्रूमेंट वही थे और लोग बाग भी वही थे उन्हीं के द्वारा इंस्ट्रूमेंट्स को के आधार पर इसको म्यूजिक करा म्यूज़िक को रिकॉर्ड करा लिया गया तो कुछ म्यूज़िक वहाँ रिकॉर्ड हो गए ये इसकी कुल मिलाकर के कथा है बहुत ही कठिन एक दिक्कत ये आई सबसे बड़ी कि बम्बई में ये ट्रेंड करते थे कलाकारों को पैसा बहुत कम था आर्थिक संकट बहुत भीषण था तो लोग जो हैं अपनी मजबूरी में अपनी पेट की खातिर दौड़ करके और फिल्मों के किसी उसमें एक्स्ट्रा बनना बनना पसंद कर जाते थे और वो बन जाते थे एक्स्ट्रा बन जाते थे और वहाँ जाके चले जाते थे तो, तो ग्रुप के लोगों को फिर से ट्रेंड करना पड़ता था बार बार इस प्रोसेस से लोग तंग आ गए थे तंग आ गए थे तो एक इन्होंने जो एक शांतिवर्धन ने कंसीब किया था बात को उसे प्रभात गांगुली जी ने उसको कंटिन्यू किया जवाहरलाल नेहरू की वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिसके ऊपर बात को श्याम बैनेगल ने एक पूरा वो बनाया एपिसोड उसका एक बैले तैयार किया था पहली रचना जो थी कलात्मक रचना जवाहरलाल नेहरू की स्कृति की वो एल ने तैयार की थी तो वो बहुत प्रसिद्ध हुई उसको बहुत जगह पे दिखाया गया वो प्रसिद्ध हुई तो जवाहरलाल नेहरू जी से संपर्क उनके बन गए थे तो एक बार बॉम्बे में जब गवर्नर हाउस में जवाहरलाल जी ठहरे हुए थे तो गुलवर्धन गई वहाँ और उनसे बात हुई उन्होंने कहा कि हम ये जगह छोड़ना चाहते हैं तो जवाहरलाल जी ने कहा कि हमारे पास एक ज़मीन है वहाँ देहरादून में आप वहाँ आ जाओ हम जमीन अलॉट कर देते हैं और उनको फ़ोन करके बोल भी दिया अलॉट करने के लिए लेकिन इनने कहा कि अब पता नहीं तो डीपी मिश्रा वहां बैठे हुए थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में क्यों नहीं आ जाती तो गुलवर्धन को मध्य प्रदेश की टोपोग्राफी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी भूगोल और इतिहास के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी तो वहां एक नक्शा टंगा हुआ था भारत का उसमें मध्य प्रदेश उन्होंने देखा और मध्य प्रदेश देख कर के उनको उनकी नज़र ग्वालियर पर पड़ी तो उनको ध्यान में आया कि तो तानसेन की नगरी है और यहाँ तो चला जा सकता है यहाँ तो कला का माहौल होगा तो इसमें उन्होंने उनको कह दिया उस समय साइंस कॉलेज का गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का नया हॉस्टल बना था हॉस्टल का लोकार्पण नहीं हुआ था तो डीपी मिश्रा जी ने वो जगह उनको एलोकेट कर दी आज भी इसका जो एक बचा हुआ ट्रुप है वहाँ काम कर रहा है ग्वालियर में अभी भी है एक हिस्सा तो वो लगातार काम कर रहा है वहाँ तो ये इसकी बहुत ही दिलचस्प कहानी है तो वो आ, आप समझिए कि 64 में ये ग्वालियर में आ गया उस समय मैं स्टूडेंट हुआ करता था ग्वालियर में तो मेरा संपर्क भी इनसे उसी समय हुआ वहाँ अग्गे जी आते रहते थे अग्गे जी की पत्नी जो थी वो मतलब हैं थी क्या अभी आ, क्या नाम है उनका कमिल, कपिला वत्सैन कपिला वातसेन खुद अच्छी डांसर थी और इस ग्रुप की मित्र थीं तो उनकी वजह से वो लोग आकर के इनके एक ग्रुप में ठहरा करते थे तो ग्वालियर में आकर के उन्होंने इसके साथ रंगश्री नाम जोड़ दिया तो लिटिल बेले ट्रुप का जब पूरा नाम ग्वालियर में अग्गे की वजह से रंगश्री लिटिल वेले ट्रुप हो गया तब से ऑन वर्ड ये रंगश्री लिटिल वेले ट्रुप कहा जाता है लेकिन ग्वालियर में ये हुआ कि ग्वालियर चूँकि बहुत बड़े इंडस्ट्रियल टाउन भी नहीं बचा था उस समय तक फैक्ट्रीज़ उजड़ गई थी जेसी मिल्स ख़त्म हो गया था और वहाँ की छोटी मोटी विनोद मिल्स और ये तमाम सारी मिल्स थी वो ख़त्म हो गई थी तो वो वहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं रही थी प्रमोट करने वाले लोग नहीं रहे थे तो 19 साल में हालत ये हुई कि 19 शो नहीं मिले एल को फिर उन्होंने यहाँ भोपाल आने का फ़ैसला किया फिर भोपाल यहाँ एट्टी में भोपाल आए ये जो बैले की विधा है ये नष्ट प्राय हो रही है और जो हमारा जो तरीका है जो रंगशी लिटिल ब्लैक ट्रुप का तरीका है वो अलग तरह का तरीका है जिसमें ये तो ठीक है कि इसमें उदय शंकर की छाप है और ये भी ठीक है कि पहले यूरोपीय पद्धति है और उसमें से देह गतियों को उस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ये सब तो अपनी जगह ठीक है लेकिन हम लोगों ने इसमें जो हमारी लोक परंपरा है लोक परंपरा में जो चाहे पुआड़ा हो महाराष्ट्र का चाहे छत्तीसगढ़ी में रामायणी या महाभारत की कथा हो चाहे जैसी हो तो ये जो लोक परंपरा है लोक परंपरा का समावेश इसमें हमने किया है और इस पूरे के पूरे जो बैले था बैले का एक तरह से भारतीय प्रारूप तैयार किया है हमने क्योंकि हम वो सब तो कर नहीं सकते जो रशा में होता है जो ऑन आइस और ये तमाम सारे जो होते हैं वो तो हम कर नहीं सकते तो इस, इसका हमने किया है तो एक भारतीय मॉडल प्रारूप तैयार किया है इसीलिए इस देश ने करीब 36 सैंतीस देशों के अंदर कम से कम चार पाँच सौ शो किए हैं और सारी दुनिया में इसकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा हुई है चाहे चाइना हो चाहे रूस हो चाहे मेक्सिको हो चाहे जर्मनी हो चाहे जहाँ पचासों जगह गए हैं और इंडोनेशिया नेपाल और ये सब तो खैर जो एशियन कंट्रीज उनमें तो गए ही हैं तो इसके कारण हमको ये लगता है कि हम अपनी परंपरा को और अपनी परंपरा में जो नए नए जो इनपुट्स आते हैं हमारे कलाओं का जो विस्तार और विकास हो रहा है उसको भी शामिल करते हुए चीज़ों को नए तरीके से प्रस्तुत करें ये ये हमारी कोशिश रही है और चूंकि इसका सम सामाजिक और पारंपरिक और ये दृष्टि भी साथ में इन सबको को समाहित करते हुए बैले तैयार करने की हमारी परपाटी रही है तो ये बहुत कठिन भी है जिन लोगों ने इसको इस काम को किया है जिन लोगों ने इसकी रचना की है बहुत बड़ी बड़ी बैले की प्रस्तुतियाँ दी हैं अब हम लोग उनके हिसाब से बहुत पिगमीज़ हैं बहुत छोटे लोग हैं लेकिन हमने जैसे रामायण है रामायण लगभग हेरिटेज प्रोडक्शन है 1952 में जो तैयार हुआ था रामायण आज तक उसके मास्क नहीं बदले गए हैं उसके मुखोटे नहीं बदले गए हैं उसकी ड्रेसेज नहीं बदली गई हैं उसका सेट नहीं बदला गया है तो ये भी एक तरह से एक विरासत की प्रस्तुति है कि 1900 मतलब बावन से लेकर के अब तक हम एक ही कॉस्ट्यूम एक ही ड्रेस एक ही सेट और एक ही मूवमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और ये पहला बैले है जो मनुष्य को कठपुतली में कन्वर्ट करता है कठपुतली शैली में ये पूरी की पूरी इराम कथा आती है और उसमें प्रस्तुत है। और मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की जब स्थापना हुई थी तो संजय उपाध्याय यहाँ के वो थे पहले डायरेक्टर उन्होंने जब पता चला उनको इसी एल का ये कैंपस है तो बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने रामायण को अपने कैरिकुलम में शामिल कर लिया तो गुलवर्धन जो थी वो आजीवन इसकी सेक्रेटरी रही जनरल सेक्रेटरी इस संस्था की वो इस जनरल सेक्रेटरी से ज़्यादा इसकी आत्मा थी वो क्योंकि वो जब शांतिवर्धन की मृत्यु हुई और उनको खून की उल्टियाँ होने लगी दूसरी बार जब अटैक उनका आया तब वो बहुत डिप्रेस थे कि मेरे सब काम का क्या होगा तो उन्होंने शपथ ली कि हम तुम्हारे इस काम को पूरा करेंगे महाश्वेता देवी ने एक उपन्यास लिखा है बंगला में मधुर मधुर उसमें इन दोनों की कहानी लिखी है उस कहानी में उन्होंने लिखा है कि जब उनको खून की आखिरी उल्टी हुई तो उस खून जो खून उस उल्टी में निकला उससे गुलवर्धन ने अपनी मांग भर ली और कहा कि सपने को मैं अपने सौभाग्य की तरह पूरे जीवन भर निर्वाह करूंगी और उन्होंने पूरे जीवन भर इसको निभाया बाद को उन्हीं के साथी प्रभात गांगुली जो वहीं से निकले थे और उन्होंने भी काफ़ी काम किया था जो दिल्ली इप्टा में भी काम किया था और कुछ बैलेज वहाँ से तैयार किए थे वो फिर इस संस्था से जुड़ गए चूँकि शांतिवर्धन और वो एक ही स्कूल से आए थे अल्मोड़ा से जो उदय शंकर का था उनसे तो वो भी इसमें जुड़ गए तो वो भी जीवन पर्यंत इससे जुड़े रहे तो ये सब उन्होंने काम किए हैं यहाँ तक कि इस संस्था से जुड़े संस्था के समर्पण के कारण वो चाहती थी सिमकी कि वो लंदन चले जाएं उनके साथ या फ्रांस चले जाएं जो उनकी पत्नी थी सिमकी तो वो इस संस्था के प्रति उनका समर्पण का भाव था कि वो नहीं गए तो वो उनका परिवार भी उस तरह से बिखर गया लेकिन इस संस्था को उन्होंने नर्स किया सिमकी की और उनकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है उदय शंकर के ग्रुप में एक शिव और पार्वती का कोई सीन कंपोज होना था वहाँ शिव के रूप में कास्ट किया था प्रभात गांगुली को और पार्वती के रूप में रखा गया था सिमकी को जब शुरू आरंभिक जब रिहर्सल शुरू हुई तो सिमकी ने मना कर दिया कि इस ये ख़राब डांसर है इसके साथ मैं डांस नहीं करूँगी प्रभात गांगुली जो थे वो ब्राह्मण परिवार से आते थे बनारस के और उनके घर में कोई परंपरा पर नहीं थी नृत्य की घरों घर के आसपास धोबियों का मोहल्ला था तो धोबी लोग जो रात को डांस करते थे उससे वो प्रभावित थे कुल मिलाकर के इतनी सी बात थी वो उसमें करते थे तो उनमें उस तरह की कोई सलाहियत नहीं थी तो जब उन्होंने ये माना कि तो उन्होंने बड़ा हर्ट फील किया हर्ट फील किया तो दिन रात मेहनत की और अल्टीमेटली न सिर्फ उनके साथ वो कास्ट किए गए कई सारे बैलेज में उन्होंने एक नायक और सिमकी ने नायिका की भूमिका निभाई लेकिन ये फिर केमिस्ट्री इतनी मजबूत हुई कि दोनों की फिर आपस में जाती मुश्किल से एक दो लोग ही पुराने तीन, तीन 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 एक लोग पुराने तीन चार लोग पुराने बचे हैं बाकी तो पीढ़ियाँ चेंज हो गई हैं मतलब समझिए है कि ये दसवीं कार्बन कॉपी है लगातार बदलते रहें एज हो जाती है ये तमाम सारी चीज़ें हो जाती हैं लोग छोड़ के चले जाते हैं तो बहुत सारी लेकिन प्रोडक्शन नहीं बदला है प्रोडक्शन वैसे ही है हो सकता है उन्नीस बीस का फर्क आया हो हमारे यहाँ एक म्यूजिशियन थे दासन शिवदास उनका नाम था अद्भुत म्यूजिशियन थे मैन थे सॉरी म्यूजिशियन थे मैन थे लाइट करते थे वो लाइट करते थे तो मतलब जब वो लंका का आग लंका में आग लगती है तो असल असल में लंका में हमारे यहाँ आग नहीं लगती ड्रीम सीक्वेंस है जो कृतिवास रामायण का है तो ड्रीम सीक्वेंस है उसमें एक बंदर आग लगाता है तो लाइट इस तरह से करते थे कि थिएटर में बैठे हुए लोग घबरा जाते थे कि आग लग गई मंच के ऊपर सिर्फ लाइटिंग से ऐसा इफेक्ट पैदा करते थे गजब के थे वो उनकी डेथ हो गई अब वैसा हमको दूसरा लाइट मैन मिला ही नहीं उतना इफ़ेक्टिव अब होता है लाइट अच्छी भी अच्छा करते हैं लोग पूरी मेहनत से करते हैं लेकिन वो चीज़ें नहीं आती तो वो जनरेशन निकल गई है जो मैंने संस्मरण सुने हैं उनमें एक दिलचस्प ये है कि जा रहे थे जब शायद मेक्सिको में या कहाँ कहीं जा रहे थे तो एक प्लेन से दूसरे प्लेन में जो कार्गो के द्वारा जो सामान शिफ्ट किया जाता है वो सामान शिफ्ट नहीं हुआ था तो रामायण बैले को रिकॉर्डेड म्यूजिक के साथ उन्हें बिना कॉस्ट्यूम के पूरा का पूरा करना पड़ा था उसे उनके मास्क नहीं थे ड्रेसेज नहीं थी ये तमाम सारी चीजें नहीं थी धनुष नहीं था ये तमाम सारी चीजें नहीं थी तो तत्काल जो चीजें मिली थी उनसे मिलाकर के उन्होंने तैयार किए और कपड़े रंग बिरंगे कपड़े पहन करके ए, करके उसको प्रस्तुत किया वहाँ लेकिन कठपुतलियों की शैली नहीं छोड़ी और उसी तरह से उसको प्रस्तुत किया तो उसको भी बड़ा अप्रिशिएशन मिला म्यूज़िक बहुत अच्छा था मूवमेंट्स बहुत अच्छे थे और कठपुतली की गतियाँ बहुत अच्छी थी तो ये जो जो कहना चाहिए प्रत्युत्पन्न मति होती है जो विट होता है आदमी का उसकी वजह से और जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है उसकी वजह से ये काम चल जाता है तो एक तरह वॉल्टियर की तरह से मैं इस ग्रुप में शामिल हुआ और आज भी मैं वॉल्टियर की हैसियत में ही हूँ क्योंकि मेरी हैसियत कोरियोग्राफ करने की नहीं है मेरी हैसियत म्यूज़िक डायरेक्ट करने की नहीं है मेरी हैसियत जो है सेट या ड्रेस डिज़ाइन करने की नहीं है लेकिन ये है कि जो जो इन लोगों ने एक तरह की कला के प्रति एक समर्पण का भाव जो पैदा कर दिया वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारे अंदर है उसकी वजह से फिर यहाँ दोनों की मृत्यु हुई भोपाल में आ, बहुत लंबे अरसे चौरानबे साल की उम्र में तो करीब प्रभात गांगुली की मृत्यु हो गई जो यहाँ के प्रिंसिपल कोरियोग्राफर थे बाद को गुलवर्धन की मृत्यु हो गई इन लोगों ने अपने पूरे जीवन भर की कमाई अपनी जब इनकी मृत्यु के बाद पता चला कि इन्होंने अपनी विल एलबीटी के नाम कर रखी है दोनों ने